बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का 4th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स का क्या मतलब होता है? जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़ या मिलाप, जंक्शन। ऐसी जगह जहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं उसको हम जॉइंट कहते हैं या मिलाप कहते हैं। तो बायोलॉजी में ये जॉइंट से क्या मुराद है? जॉइंट से मुराद बेटा ऐसी जगह जहाँ पे दो बोन्स यूनाइट होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक बोन है और ये है जी मेरे पास दूसरी बोन। तो वो जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में यूनाइट होती हैं, आपस में मिलती हैं, उनको हम जॉइंट्स का नाम देते हैं। ये जॉइंट्स ना सिर्फ हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए हैं, दीज नॉट ओनली प्रोवाइड अस द सपोर्ट, ये ना सिर्फ हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बल्कि हमारी मूवमेंट में भी हमें हेल्प करते हैं। खुद सोचे बेटा, अगर ये, और मज़े की बात सुने, जॉइंट्स लेवल पे बोन्स डायरेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं होती, यूनाइट नहीं होती। मैंने लास्ट टाइम जब कार्टिलेज का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इसकी कवरिंग में कार्टिलेज होती है, हाइलिन कार्टिलेज जिसने इसको कवर किया हुआ है, और ये डायरेक्टली आपस में यूनाइट नहीं होती। इनके यहाँ पर दरमियान में गैप है और गैप, ये खाली जगह नहीं है, यहाँ पर ख़ास किस्म के टिश्यूज पैदल होते हैं, ठीक है जी। इन खास किस्म के टिश्यूज को हम लिगामेंट्स का नाम देते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये इन टिश्यूज के जरिए दो बोन्स आपस में यूनाइट होती हैं ताकि ये बोन्स जो है प्रॉपरली खास एंगल्स पे जो है वो मूव कर सके और हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमारी उंगलियों की मूवमेंट को आप देख लें, हमारी जो बोन्स है, छोटी छोटी बोन्स आपस में मिली हैं, हमारी उंगलियाँ जो है वो मूव कर सकती हैं। इसकी रीज़न क्या है बेटा जी? के दरमियान में हमारे पास जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, दो बोन्स के दरमियान गैप है, गैप में टिश्यूज़ हैं जो कि अलाउ करते हैं कि प्रॉपरली खास मखसूस एंगल्स पे जो है हमारी बोन्स जो है वो मूव कर सकें। अब हम इसी लिहाज से जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, कि जो हमने अब हम जॉइंट्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द मूवमेंट, कि किस डायरेक्शन में कौन कौन से जॉइंट्स हमें मूवमेंट अलाउ करते हैं, कि मूवमेंट किस किस डायरेक्शन में जो है प्रॉपरली पॉसिबल हो सकती है। तो पहले हमारे पास टाइप है, डेट इज़ द इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स के नाम से प्रेजेंट हो रहा है। इमूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स दैट अलाउ द नो मूवमेंट, जो कि मूवमेंट अलाउ नहीं करते। ये फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, ये किसी भी तरह की जो है वो मूवमेंट की इजाज़त नहीं देते। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है हमारे स्कल के जॉइंट्स। हमारे स्कल के बोन जो हैं, जो आपस में मिली हुई हैं, वो बेटा जी प्रॉपरली जो है वो मूव नहीं कर सकती। दे आर द फिक्स्ड बोन्स, वो फिक्स्ड बोन्स हैं और ये हमें जो है वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। नेक्स्ट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली का टिपिकली मतलब होता है थोड़ी सी, ऐसे जॉइंट्स जो थोड़ी सी मूवमेंट को अलाउ करते हैं, स्लाइट सी मूवमेंट को अलाउ करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है द जॉइंट्स स्पैन बिटवीन द वर्टिब्री। ये जो हमारे मोरे हैं या जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट्स हैं वो अलाउ करते हैं थोड़ी सी मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ, ये मेरे पास एक जो है वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, ये तीसरा है, इनके दरमियान जो गैप्स होते हैं बेटा, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स। तो यहाँ पे जो डिस्क हैं, जो जिसमें कार्टिलेज है, ये जो दरमियान में डिस्क हैं, ये क्या करती हैं, ये प्रॉपरली थोड़ी सी बेंडिंग अलाउ करती हैं, थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करती हैं। ये स्लाइटली सा, ये स्लाइटली सा जो है ये हमारे डिस्क जो है वो बेंड हो जाए, अगर ये डिस्क यहाँ से स्लिप हो जाएगी, अगर डिस्क यहाँ से स्लिप होगी तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम किसी काम का नहीं रहता, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में थाई पेन होगा और पर्सन कांट मूव, एक पर्सन जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी सी मूवमेंट जो है वर्टिब्री अलाउ करते हैं ताकि जो है वो बेंडिंग को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हैं हमारे पास मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो प्रॉपरली डिफरेंट डायरेक्शन में हमें मूवमेंट अलाउ करते हैं ताकि बॉडी की पोजीशन को, पोस्चर को जो है वो चेंज किया जा सके और हम अपने बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली मूव कर सके। इसमें हमारे पास दो तरह के फर्दर टाइप्स हैं।
कि किस किस डायरेक्शन में जो है वो जॉइंट्स मूवमेंट को अलाउ करते हैं। फर्स्ट वन आर कॉल्ड द हिंज जॉइंट्स एंड सेकंड वन कॉल्ड द मूवेबल जॉइंट्स। ये जो हमारे पास हिंज जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट्स, हिंज का लफ्ज मतलब होता है कब्जा, ये जो दरवाज़ों पे लगा होता है कब्जा, जिसकी वजह से हमारे ये डोर जो है फिक्स होते हैं, रोटेट जो है वो प्रॉपरली कर सकते हैं किसी मखसूस डायरेक्शन में। अगर हम दरवाजे को खोलें, आगे पीछे मूव करता है, प्लेन हमारे पास एक है लेकिन डायरेक्शंस दो हैं, आगे पीछे मूव करना, ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि डोर की तरह जो है आगे पीछे मूव करवाते हैं किसी भी हमारे बॉडी पार्ट को। प्लेन एक है, द जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, इट मीन्स इन टू द इन द टू डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड द हिंज जॉइंट्स लाइक द हिंज ऑन द डोर। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है बेटा एल्बो जॉइंट्स की। एल्बो को आप बेशक अभी मूव करके देखें तो हमारी एल्बो जो है वो ऊपर नीचे जो है मूव करती है ताकि हमारी बाजू प्रॉपरली बेंड हो सके। इसी तरह अगर हम पेल्विक गिर्डल की बात करें तो पेल्विक रीजन में हमारे पास एग्जांपल आती है हमारे नी जॉइंट्स की। ये जो हमारे घुटने का जॉइंट है हमारी जो है वो फोर लेग को मूव करवाता है आगे पीछे, ठीक है, एक ही प्लेन में मूव करवा रहा है और डायरेक्शंस टू हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जो हर डायरेक्शन में जो है मूव करवा सकते हैं हमारे बॉडी को, हमारी बोन्स को, दैट अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब रोटेट करवाने के काबिल है हमारे बॉडी पार्ट्स को, 360 के एंगल्स पे जो है वो ये रोटेट करवा सकते हैं। इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आती है हमारे शोल्डर जॉइंट्स की, दैट कैन रोटेट प्रॉपरली, और साथ ही हमारे पास एग्जांपल आती है हमारे हिप जॉइंट्स की। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा तीन टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द मूवमेंट, किस तरह से हमारे जॉइंट्स किन कौन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन आर द इनमूवेबल जॉइंट्स, सेकंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, थर्ड वन आर द मूवेबल जॉइंट्स। इनमूवेबल जॉइंट्स ऐसे हैं दैट अलाउ द नो मूवमेंट, दे आर द स्कल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट दैट अलाउ द मूवमेंट, स्लाइटली थोड़ी सी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्री। मूवेबल जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट इन डिफरेंट डिग्रीज, इन एट डिफरेंट एंगल्स, इन डिफरेंट प्लेन्स, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन एंड टू डायरेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल एल्बो एंड नी जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, हेल्प टू रोटेट द बॉडी पार्ट्स, दीज आर द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। इंतहाई इजी टॉपिक है क्लास, इसको प्रॉपरली गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।